अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ताहिर अब्बास और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम फैसल इरफान। क्या हाल है आप लोगों का? इस वक्त हम एबटाबाद की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और हमने सोचा कि फेसबुक के हमारे जो दोस्त हैं, एफएम के दोस्त हैं, उनके लिए कुछ छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्री टाइप का वर्क कर लेते हैं। एफएम पे तो आप लोग सुनते रहते हैं हमें। तो अभी जी हम थोड़ी देर में खानपुर डैम चले जाएंगे, उसके पास से गुजरेंगे इनफैक्ट। और इस वक्त हम इस बड़ी ज़बरदस्त सी रोड से गुजर रहे हैं और जो लोकेशन है वो डेफिनेटली आपको पसंद आ रही होगी। फिलहाल ये रोड अभी बन रहा है, इस पे NHA ने काम शुरू कर दिया है और NHA जिस चीज़ पे काम शुरू करता है अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कब बनेगी, लेकिन कभी ना कभी होपफुली बन जाएगी। ये जो लेफ्ट पे आप थोड़े बहुत नज़ारे देख सकते हैं और अच्छा बाकी नज़ारे तो है ही हैं। आपको एक थोड़ा सा मैं करके ये दिखाता हूँ, ये वाला नज़ारा, एक ये वाला नज़ारा, ये यस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जारी है जी और हमने भी खूब सेलिब्रेट करने का इसकी तैयारी की है एंड वी आर ट्राइंग कि हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अपनी पार्टिसिपेशन करें। ग्रीन और व्हाइट बलून्स हम साथ लाए हैं जो हम अच्छी जगह पर फजा मकाम या फिर खानपुर डैम में मोस्ट प्रॉब्ली हम इसको छोड़ेंगे ताकि हवाओं में दिखें और लोग भी खुश हों, एंजॉय करें। एग्जैक्टली जी ऐसा ही कुछ इरादा है हमारा। ऑलराइट जी, इस वक्त हम आ चुके हैं खानपुर। ओ ये देखें, हम लोग जी पहुंच आए हैं खानपुर डैम में और आप देख रहे हैं कि इस वक्त काफी जो यहाँ पे गेमा गेमी है, लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। हमने भी सोचा यहाँ पे उतरे और कुछ सेलिब्रेशन जो है इंडिपेंडेंस डे की उसको एंजॉय करें। वीकेंड भी है इसलिए लोग काफी जो है वो एंजॉयमेंट में आप देख सकते हैं साथ साथ और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आ रही है, मजा भी आ रहा है और हम भी सोच रहे हैं कि एक दो गोते लगा लें, लेट्स सी कि मैं और ताहिर इसमें क्या करते हैं। एग्जैक्टली जी, आप सामने अगर लोकेशन देख रहे हैं खानपुर की, खानपुर डैम की, तो बड़ा मज़ा आने लगा है आपको। देखते हैं कि हम जाके क्या शोगल कर सकते हैं। पहले इस वक्त हम खानपुर डैम के पास मौजूद हैं। ये आपने काफ़ी कश्ती लेके लोग बैठे हुए हैं, घेरने की कोशिश भी करते रहते हैं, हर कोई आता है और कहता है कि हमारे साथ चले जाएँ, हमारे साथ चले जाएँ। खैर, और फैसल आ चुका है सेल्फी स्टिक लेके। सेल्फी का दौर है जी। देखिए हमने सोचा कि आज हम सेल्फी स्टिक्स पीस में यूज़ करेंगे और पानी मुझे बहुत साफ लग रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बोटिंग का यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है। बिल्कुल, बस पैसे थोड़े ज़्यादा मांगते हैं ये लोग। खैर वो तो निगोशिएट किया जा सकता है क्योंकि अगर आप लोकल कॉन्टेक्ट से नहीं है तो फिर आपको काफ़ी इसमें होता है। और हमारे चाइनीज़ दोस्त भी हमारे साथ पहुँच गए हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे लेफ्ट से हमारे चाइनीज़ दोस्त पहुँच आए हैं जिनको हम मेंटोर करके यहाँ तक लाए हैं। बिल्कुल जी, आज इनके लिए हमने भी एक छोटा सा टूर अरेंज किया है, सो लेट्स होप कि ये भी इंजॉय करें हमारे साथ साथ। एग्जैक्टली हाँ जी, देख रहे हैं आप ज़बरदस्त सी आउटिंग का सिलसिला जारी है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन भी। और मेरे बैकेंड पर देखें एक वोट आ रही है और अगर आपको म्यूजिक की आवाज़ आ रही हो तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि वो उसके अंदर साउंड सिस्टम इंस्टॉल्ड है ऐसा जो दूर जजीरे से हमें सुनाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल जी, अगर तो इस वक्त असन यार हमारे साथ होता तो वो भी लोशा लोशा वही कर सकता, बल्कि हम तीनों मिलकर यहाँ पे एक धमाल भी डाल सकते थे। Exactly. और लूटी भी हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन फिलहाल हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ से और हमारा जो चाइनीज ग्रुप है उसको हमने इस जजीरे के पार ले जाने के लिए एक जो है हमारा बहरी तैयारा उससे बिठा दिया है। Soon they will be moving off. अल्लाह करे कि वो जजीरे पे पहुंच जाएं। Yes. नहीं जी, खूबसूरत ब्यूटीफुल सेगमेंट्स आप देख रहे हैं इस वक्त और ये लोग बोटिंग कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं और हम भी इसको काफी एंजॉय कर रहे हैं। और ये आप देखें ताहिर भी यहीं मौजूद है एंड ही इज एंजॉयिंग एज वेल। बाकी सब लोग फीलिंग कैमरा वर्क साहब को हम उम्मीद है कि पसंद आएंगे। Yes. Okay, ladies and gentlemen. जी क्रूजिंग जारी है इस वक्त आप देख रहे हैं और हम भी खूब इसको मज़े में इंजॉय कर रहे हैं और आप देखें कि इस वक्त काफ़ी अच्छा मौसम भी है, लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और हमारी भी कोशिश है कि वो भी इसको इंजॉय करें। हमारे साथ कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, ताहिर भी मौजूद हैं हमारे साथ और ये मैं हूँ ऑफकोर्स। बोटिंग सेगमेंट्स, बोटिंग क्रूजिंग जारी है जी इस वक्त। मौसम बहुत ही अच्छा है एंड इट्स रियली फन समटाइम्स जब आपको वेकेशन में से टाइम मिल जाता है और आपकी कोशिश होती है कि चलो अच्छा अच्छा हम बनाएँ और पूरी कोशिश हमारी कि हम भी जेट स्कीइंग करें और वाटर स्कीइंग करें, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, बाकी तो आपको पता है शादियाँ करना। ठीक है जी, तो चलिए आप भी हमारे साथ मजीद फन करें। Thank you.
फैसल इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं और रास्ता थोड़ा सा बम्पी किस्म का, तभी आपको फैसल भी थोड़े बम्पी नजर आ रहे हैं। बम्पी लुक्स तो फिर आ ही जाते हैं, आपको पता है। आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत है, मौसम भी बड़ा अच्छा लग रहा है और लोग भी काफी ज्यादा है यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। एक गाना हो जाए जी, फिर उस पे खत्म करते हैं। धरती सुनहरी अंबर नीला। अच्छा हाँ जी, नीला तो नहीं है, फिर बादल है। 1 2 3 धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। हाँ ऐसा देश है मेरा, जैसा देश है तेरा। यहाँ आपको मिलती हैं गायें और मंजियाँ, यहाँ खोते भी हैं काफी और ले ले बकरियाँ, यहाँ रोड है डिंगी पड़िंगी लेकिन है वादी हसी, यहाँ लोग हैं बड़े ही सच्चे और वादों के भी पक्के। लो जी फिर एक बारी, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा। हाँ ऐसा देश है तेरा जी, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, क्योंकि जैसा आप यहाँ पाकिस्तान देख रहे हैं वैसे ही वहाँ पे हिंदुस्तान भी है। तो दोनों मुल्कों के लिए मोहब्बत और अमन का पैगाम, और आज के दिन हम ये चाहेंगे कि दोनों मुल्क यहद करें कि आने वाले सालों में अच्छे दोस्त और हमदर्द बन के रहेंगे, और दोनों मुल्कों में बहुत सी चीजें मिलती जुलती हैं, उन दोनों चीजों को एंजॉय करेंगे। एंड ग्लोरीज टू ऑल द ग्लोरीज टू ऑलमाइटी, इसने हमें ये सारी दुनिया और इसमें इतनी खूबसूरत चीजें अता की। ऑलराइट जी, दैट्स इट। ताहिर अब्बास एंड फैसल इरफान साइनिंग इट आउट। अल्लाह निगेबान। बाय बाय, गुड बॉयज।